हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रियेश पटेल। आपका अगेन स्वागत है हमारी इस मैथ्स की सीरीज में, जहां पे हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE, GUJCET या फिर आपकी बोर्ड की एग्जाम, जहां पे MCQ आते हैं। कम टाइम में आपको MCQ का आंसर निकालना है। दोस्तों, आप अगर हमारी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके सारे फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना भी ना भूले। तो दोस्तों, देखते हैं हमारी आज की इंटीग्रेशन की एक शॉर्ट ट्रिक। विद इन 5 to 10 seconds आप इसका आंसर कैसे निकाल पाओगे, वो शॉर्ट ट्रिक से हम देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक को पहले समझ लेते हैं दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक क्या है? इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c, ऐसे आपके सम आते हैं जो इंटीग्रेशन करने में आपको बहुत टाइम लगता है हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स है उससे। शॉर्ट ट्रिक में दोस्तों क्या करना है, आपको पहले एक गोल्डन रूल याद रखना है कि 4ac - b² > 0 होना ही चाहिए। अगर ये होता है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2/ इसका जो आंसर आता है उसको अंडर रूट में लिख दो। टेन इनवर्स हमारा जो ये फंक्शन है नीचे वाला, उसका डिफरेंशिएशन डैश, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विकलन करके यहाँ पे रख दो। नीचे अगेन ये जो हमारा आंसर आया है उसका अंडर रूट लिख के प्लस कॉन्स्टेंट सी ऐड कर दो। तो शॉर्ट ट्रिक को हम सम के साथ समझना का ट्राई करते हैं दोस्तों। 1/x² + 4x + 6, इसको कंपेयर करो ax² bx + c, यहां पे कंपेयर करो तो a की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिलेगी, जल्दी बोलो, 1 मिलेगी। b की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। और c की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है abc की वैल्यू। मैंने एक होमवर्क में सम दिया, अगर आपकी abc की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो a की वैल्यू 4 मिलेगी, b की वैल्यू यहां पे 2 मिलेगी और c की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो ABC की वैल्यू जब आपकी आइडेंटिफाई होती है, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, 4ac - b² तो 4 into a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, 6 into 4 = 24 और 4 का स्क्वायर 16, 24 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। 16, 20 में 4 कम है और 24, 20 में 4 प्लस है, तो 4 + 4 दैट मीन्स 8 बच गया, तो 8 > 0 आ गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देखो, 2 तो लिख दिया, जो आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट निकाल दिया। 10 इनवर्स, जो भी हमारा नीचे वाला फंक्शन है उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो करो बच्चों डिफरेंशिएशन, x² का 2x, 4x का 4, कांस्टेंट का 0। तो यहां पे बच्चों क्या आया, ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन है उसका d/dx। डन बच्चों, फिर अगेन नीचे अंडर रूट लिख दो, तो ये जो हमारा आंसर आया है उसका अंडर रूट यहाँ पे लिख दो प्लस सी। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर कुछ होता है, 4 into 2, यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे बच्चों, 4 into 2, 10 इनवर्स, 2 यहाँ पे 2x + 4/√8। यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, 2 को कॉमन निकाल दो, x + 2, यहाँ पे 4 into 2। डन दोस्तों, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया, x + 2, यहाँ पे 4 into 2, 4 का स्क्वायर रूट बच्चों आपको निकालना है तो कितना होगा, 2 होगा, 2√2, यहाँ पे 10 इनवर्स, 2x + 2/√2, 2 ऊपर नीचे दोस्तों कट कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 1/√2, 10 इनवर्स, x + 2/√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये भी आंसर में दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं, जो भी आंसर में दिया है वो आपको वहां पे टिक करके आना है। तो दोस्तों, अगेन मैं एक आपको सम होमवर्क में दे रहा हूँ, आई होप कि आप सबको ये वाली ट्रिक पता चल गई है, आप अच्छे से अभी ये वाले शॉर्ट ट्रिक से सम सॉल्व करोगे विद इन 5 to 10 seconds। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हमको बोलिए, हमारी चैनल पे बने रहिए, ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक हम अपलोड करते रहेंगे, आपके सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।